सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग करण वासन ब्लॉग। तो आज नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है, अभी तकरीबन बज गए सुबह के 6 और एक बार आपको बाहर का भी माहौल चेकआउट कराते हैं। जिससे मैं ना सुबह के 6 बजे हमारे दिल्ली के अंदर जो बाहर माहौल होता है वो देखो, ये देखो भाई पूरा अभी अंधेरा हो रहा है इस समय बाहर। तो आज मतलब इतनी जल्दी सुबह उठने का मतलब ये है कि आज आन को ना थोड़ा सा कोल्ड कॉफ हो रहा, थोड़ी सी तबीयत उसकी ख़राब हो रही है और आंचल की भी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी कल से, तो दे नीड माई हेल्प। तो मैंने कहा चलो थोड़ा उठ के एक बार थोड़ा आन का लंच वंच रेडी कर देता हूँ, आंचल की कॉफ़ी से बना के आन को रेडी कर देता हूँ और इनको स्कूल भेज के ना फिर आराम से पहले सो जाऊँगा। जो पहले आन को जरूर उठा दूँगी चल गई। आन भाई गुड मॉर्निंग। क्या हैं गुड नाइट तो मैंने दिखा दी, चल ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इधर देख किसी कर पापा को ऑल द बेस्ट। ज़्यादा वो मत करना स्कूल पे, ठीक है? क्या वो हाँ डांस प्रैक्टिस ज़्यादा मत करियो, ठीक है? कैब ऊपर करो, कभी कैब में जाना था कैब ऊपर करो, ठंड है ना, कैब ऊपर करो। चलो बाय। तो आज एक बार ना ये चेकआउट करो, बच्चों के लिए सुबह सुबह कितना टास्क है। बाहर अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय इतने अंधेरे के अंदर, और हमारा आहन इस समय स्कूल जाते थे वो इतने अंधेरे में। और इसकी स्कूल थोड़ा सा दूर है और इसका स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी है एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चों से, तो ये जल्दी स्कूल की तरफ निकल जाता है। ये भी एक वो है हार्ड वर्क जो कहते हैं ना उसको। हेयर कम्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की दूसरी पहर जो हो चुकी है स्टार्टअप। ये बन गई है कॉफ़ी जो मैंने ऑलरेडी आंचल के लिए बना दी, गर्म हो रही है आंचल का। तुम्हारा पानी इसमें डाल दिया मैंने, गर्म पानी मैंने आंचल का पैक कर दिया। मैं कह रहा हूँ चल सुबह सुबह कितनी है? मतलब बच्चे के लिए वो है ना 8 बजे 6 बजे उठ के, मतलब थोड़ी सी रोशनी हो तो हौसला हो जाता है, अंधेरे में तो थोड़ा सा तो हौसला कम है। ऑप्शन कुछ नहीं है, ये बात भी है। यहाँ चल भी रेडी स्टेडी टू गो है स्कूल जाने के लिए। आन की टेंशन हो रही है ना थोड़ी, फोन ना आ जाए पीछे, फोन आएगा तो मैं लेने जाना पड़ेगा, लेने तो मैं चले जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता क्या लग रहा है एग्जाम फिर खराब हो जाएगा इसका। नहीं एग्जाम तो दे ही देगा है स्कूल, उसके बाद कॉल आएगा तो मैं जाके बोल दिमाग चलता है। मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है उसका। एग्जाम देने के बाद कोई बात नहीं, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ले आऊँ एक्ट, उसको मैम उसको ना एक्टिविटी नहीं कराएंगे थोड़ा वो नहीं होगा, एक दिन के लिए डांस नहीं करेगा थोड़ा नहीं करेगा और फीवर चढ़ेगा तो स्कूल वाले भेजेंगे ही भेजेंगे। कोई बात नहीं, फिर एग्जाम हो जाना चाहिए उसके बाद देख लेंगे। चलो ठंड बहुत बढ़िया, बहुत तकड़ी बुजोगे कितनी तेज तेज आवाज है ना। देखिए आंचल तो रेडी होगी, इसको देखो कैसे पूरी ये हमारा बुजो महाराज भी आराम से मस्त अपना खराटे वराटे मार के सो जाते हैं। और अब मैं भी एक काम करता हूँ, बुजो को देख के थोड़ा सा मन में आ चल लड्डू फूट रहा है, अब मैं भी अपने दिन की शुरुआत दोबारा से एक बार करूँगा, थोड़ा सा सो जाता हूँ। वो उसमें आते हैं ना थोड़ा सा सो जाऊँ हैं, मतलब 1-2 घंटे सो जाता हूँ, थोड़ा सा सो जाता हूँ थोड़ा सा। तो भाई मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, वो ना तारक मेहता में कर ही क्या सकता हूँ, एक काम करता हूँ सो ही जाता हूँ। हो गया शुरुआत दोबारा, बजे 11:30 सुबह के और नहा दो के बिल्कुल रेडी है और अपना ब्रेकफास्ट बढ़िया वॉलनट स्मूदी आज इसी को खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना पार्टी वार्टी होने वाले, न्यू ईयर आने वाला, थोड़ा सा अभी हेल्थ का ध्यान पहले रखना जरूरी है। और निकलते हैं हम घर से, एक चीज़ आने वाली है आपके लिए बहुत बढ़िया, क्या होने वाली है
वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में पता लगेगा। अभी हंटिंग चालू है, क्या हो रहा है, क्या आने वाला है, सब आपको आने वाले अप्रॉक्सीमेटली 5-6 दिन के अंदर पता लग जाएगा। तो ब्लॉग हमारे पूरे एंड तक देखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है। बाकी लेते हैं ब्रेकफास्ट के मजे और निकलते हैं ज़िंदगी की भाग दौड़ में और देखते हैं क्या रखा है किस्मत में हमारे लिए आज। और सर्दियों में ना भाई, ये धूप के अंदर बैठ के ब्रेकफास्ट करने का अपना अलग ही मजा है। मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगा कि आज इन्होंने दोबारा मुझे किचन के अंदर पूरा वो दे दिया। क्या दे दिए? हक आने का। पूरी भागा दौड़ी किचन में दे दिया। एक्चुअली बात यह है कि आहार है थोड़ा सा बीमार, जब से स्कूल से आना तब से सुबह 7 बजने को हो गए, थोड़ा उसके लिए सूप बना रहा हूँ बढ़िया, जिसको वो चाहता ही मेरे हाथ का बना हुआ सूप ही में, क्यों आँचल अगर सूप बनाएगी तो सूप नहीं वो खिचड़ी गहराई जाएगी। हाँ, मेरा सूप अच्छा नहीं बनता। खिचड़ी कहते हो उसको? तो मैं सूप कहते हो नहीं बनता सूप। अच्छा सूप ऐसे होता है, ऐसे पतला पतला जैसे पानी का, ये है सूप। बहुत बढ़िया। तुम बनाते हो खिचड़ी? अच्छा। राम भाई को उठेंगे, राम भाई का क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट करना है, देखो कितनी पावर है उसके अंदर, क्या हिम्मत है बता रहे हैं। तुम क्या बना रहे हो? मैं चिकन बना रही हूँ, उसमें प्याज कम है, बटर चिकन खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है। तो अब कच्चे डालोगे? नहीं, भून के दोबारा मिक्सी में करूंगी। वाह भाई, मान गया भाई, आधे कच्चा आधे पक्के का टेस्ट आएगा उसके अंदर। तुम्हारी सोच है, वो कच्चा छोड़ दिया मैंने टमाटर। तो भाई देखो, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर और हमारे घर में ना तैयारी चालू हो चुकी है। सबसे पहले मेहरू को जो सबसे ज़्यादा क्रेज होता है मेहरू को क्रिसमस ट्री का। मेहरू क्या क्या कर रहा है पहले बताओ जरा, क्या क्या लगा रहे हो इस पर? आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बॉल है? बॉल है? अच्छा, और बेल्स? कहाँ रही? अच्छा, स्टार भी है देखो मेहरू के पास। और ये मेहरू का छोटा सा क्रिसमस ट्री है, और आहन भाई को देखो ऊपर से गमला उठा ला है, कह रहा बाबा मेरा क्रिसमस ट्री है ना। तो देखो घर में जब दो दो बच्चे हो ना, तो दो दो सेंटा क्लॉज आते हैं और दो दो क्रिसमस ट्रीज आते हैं। उधर मेहरू अपनी अलग डेकोरेशन कर रही है मम्मी के साथ, यहाँ अलग कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं किसका बेस्ट होने वाला है। इधर शैली और मेहरू एक टीम में, और इधर आंचल और राहन एक टीम में, कंपटीशन चालू हो चुका है यहाँ पे। तो दो दो सेंटा, दो दो क्रिसमस ट्रीज एक ही घर में बनने जा रहे हैं। देखो भाई, चलो कम ऑन मेहरू कम ऑन, जीतना है आपको, मेहनत करो फटाफट, उसमें थोड़ी स्नो करो जल्दी जल्दी, 5 मिनट्स बचे। चलो आंचल फटाफट, आन भाई बिल्कुल फटाफट स्नो वनो करो थोड़ा जल्दी से। ये देखो भाई, और एक दूसरे को सामान, सबसे मेन बात तो मेरे, तूने सबसे बढ़िया बात करी है।